हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों मैं हर्ष गुल आपका बहुत बहुत स्वागत हूँ आज के एक नए फ्रेश एपिसोड में। वापस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ सूरत में, सूरत टेक्सटाइल मार्केट में और इंडियन डॉट्स में। दोस्तों यहाँ का मैंने आपको ऑलमोस्ट यहाँ से 10 दिन पहले एक वीडियो दिया था जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। कई नई नई वेराइटीज आप मतलब पसंद कर रहे थे, भाई यहाँ का और कुछ वेराइटीज दिखाओ। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे आने का, वापस आने का बस यही मार्ग, मैं आपको थोड़े और नया कलेक्शन दिखाओ और कुछ नई जो प्रॉफिट की जो वेराइटीज है वो दिखाओ। तो दोस्तों आज यहाँ पे पहले मैं यहाँ के जो ओनर है उनसे मैं आप सबको मिला देता हूँ। यहाँ पे हमारे साथ आ चुके हैं अनिल भाई, कैसे हो आप? बढ़िया, नमस्कार सर। तो सर पहले तो मेरे व्यूअर्स को आपके बारे में बताएं और अपनी फॉर्म के बारे में बता दीजिए सर कुछ। सर मेरी फॉर्म यहाँ पे सूरत में 40 साल से चलती है, लेकिन मैंने बीच में मेरा नाम दूसरा था, अभी मैं इस काउंटर में आया हूँ कैश काउंटर पे। राइट सर, मेरा होलसेल का अलग काम चलता है, ये मेरा कैश काउंटर अलग है। तो आपको यहाँ पे जितनी वैरायटी मिलेगी, मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, आपको उसमें ये नहीं देखना कि मैं बाजार से ले रहा हूँ। हाँ 70% माल मेरा खुद का होता है, 30% माल मैं एडजस्ट भी करता हूँ बाहर से, क्योंकि सब आइटम पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए। आज हजारों आइटम बनती है सूरत के अंदर, सब में तो नहीं पहुंच सकते हम। कुछ चीजें ऐसी जो हमको बाजार से लेके उसमें एडिशनल वर्क कराना होता है या प्रिंट का माल लेके उस पर बॉर्डर भी एडजस्ट करनी होती है। तो 70% माल हमारा खुद का माल है, 30% बाजार माल से बाजार से लेके एडजस्ट करते हैं। और दोस्तों जैसे आपने यहाँ पे एक पॉइंट नोट किया, सर ने बोला कि हम पहले मतलब मैन्युफैक्चरिंग में थे और अभी भी मैन्युफैक्चरिंग, बट अभी कैश काउंटर पे आए। जैसे मैंने कई बार आपको बोलता था जो मेन मैन्युफैक्चरर होता कभी ज्यादातर कैश में नहीं आता, मोस्ट ऑफ ने सारे सारे हैंडल नहीं कर पाता, बट एक सर मुझे पहले ऐसे मिले जो मतलब इतना सारा हैंडल कर रहे और प्लस आपको इतनी अच्छी अच्छी वेराइटीज प्रोवाइड कर रहे। और सर का जैसे बोल रहे 70% मैन्युफैक्चरिंग और 30% जैसे बाहर से ट्रेडिंग भी करते हैं। और एक सर मुझे भी साफ साफ अच्छा लगा कि आपने एक फ्रेशली बोला। और सर जैसे कई लोग आप बोलते भाई यहाँ पे सूरत में उधार लोग देते ये देते, बट वो चीज़ नहीं होती। और सर को खुद को मालूम है कि 40 साल से इस सिस्टम में बैठे और सर ने खुद यह काम किया है। राइट सर, क्योंकि सर का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे सूरत में भी सर लोकली भी माल बेचते हैं। और मुझे कई सारी जगह से बातें मालूम हुआ और मुझे लगा कि आप लोगों को भी इनसे मिलवाता हूँ। तो सर जैसे अभी आप मतलब ये सारे सारा बना रहे हो, माल बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो सर आपका तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल बिजनेस का। तो आप मतलब मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहिए, जैसे अगर कोई टेक्सटाइल बिजनेस में आना चाहता है तो टेक्सटाइल बिजनेस कैसी फील्ड है? बाकी कई सारे अलग अलग बिजनेस भी है, ऐसा नहीं है। देखो टेक्सटाइल मार्केट, टेक्सटाइल जो फील्ड है बहुत अच्छी फील्ड है अगर आप उसमें एक प्लानिंग से करते हैं काम। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा नहीं है तो मीडियम भी है तो आप उसमें अच्छा बिजनेस कर सकते हो। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे पास 50,000 रुपए तो बिजनेस कैसे करूं। आज 50,000 में आप बहुत सारी वैरायटी ले सकते हो यहाँ से। हाँ मैं ये बोलूंगा 10-15,000 में आपको वैरायटी नहीं मिलेगी इतनी जो आपको दुकान में चाहिए। बाकी आपको गाइडलाइन जो भी चाहिए हमारी दुकान से पूरी प्रोवाइड की जाएगी आपको। जिस भी तरीके से आपको जाना है, प्रिंट में जाना है, मीडियम में जाना है, वर्क में जाना है, वेडिंग साड़ी में जाना है, वो आपको पूरा प्रोवाइड किया जाएगा, आपको पूरी गाइडलाइन बताई जाएगी उसके। तो सर टेक्सटाइल में मेन चीज होती है तो खरीदी और एक सेलिंग। तो सर ये दोनों फैक्टर्स का आपका क्या कहना, सेलिंग मतलब कर रहे कैसे करे, खरीदी करे तो कैसे करे? सर देखो मेरा पर्पज खाली बोलने का इतना ही रहेगा, इसके अंदर आप परचेजिंग करने सूरत आते हो तो कोई भी रेपुटेड दुकान में जाइए, आप समझिए, वहां पे अपने आंखों से आइटमें देखिए, आपको समझ पड़ेगा। आप लालच करोगे तो आप मरोगे उसके अंदर, आप लालच मत करिए। वो हमारे में कहावत है, सस्ता रहो एक बार बार, महंगा रहो एक बार। तो आप वही पोजीशन पे चल के काम करेंगे तो आप जिंदगी में हमेशा सक्सेस जाएंगे। अगर चीटरों के साथ बैठ गए आप, एक बार धंधा कर लिया तो आप जिंदगी भर रोते रहेंगे उसके अंदर। डेफिनेटली सर की बात सही, क्योंकि यहाँ पे सस्ते के चक्कर में मैं भी कई बार आपको बोलता हूँ 60 वाली 70 वाली जो साड़ियां जो होती है ऑलमोस्ट सही नहीं होती, आपको आके बेचने में दिक्कत होगी। बस एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए चीजें होती है, बट सर की बात सही, क्वालिटी बिजनेस करोगे, क्वालिटी बिजनेस भले आपकी दिन की 2 या 3 साड़ी भी बिकेगी लेकिन वो मतलब लॉन्ग टाइम का बिजनेस होगा। और मतलब अगर आप सस्ते के चक्कर में जाओगे, भले डेली आप 100 साड़ियां बेच रहे हो बट वो कब तक टिकेगा उसका कोई गारंटी नहीं होता। राइट सर, तो सर अभी आपके पास कैसी कैसी वैरायटीज का मैन्युफैक्चरिंग? देखो मेरे पास प्रिंट से लेके वर्क और वेडिंग साड़ी तक सब कलेक्शन मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रिंट और थोड़ा बहुत वर्क दिखाया था, लेकिन प्रिंट कॉमन है, वो आपको हर बार अलग डिजाइन देखने को मिलेगी, उसमें कुछ नयापन नहीं होगा, खाली डिजाइनिंग चेंज हो जाती है, रेट लगभग 10-5 रुपए का फर्क आता है। आज मैं आपको टोटली पूरा मतलब वेडिंग कलेक्शन और एम्ब्रॉयडरी कलेक्शन दिखाना चाहूंगा। और सर एक मेन क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि सूरत में लोगों को ऐसा होता है कि फैब्रिक्स अलग, जैसे कई बार कोई एक फैब्रिक का नाम ले तो वो मतलब अलग अलग प्राइस में बिकता, कोई मतलब 200 में भी बेच देता और कई लोग 350, कई 400, कई 600 में भी बेचते। तो सर इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि सूरत में जो वीविंग लाइन है, जो कपड़ा बनता है, जो व्हाइट ग्रे बोलते हैं हम, उसमें अगर एक क्वालिटी 6 किलो की भी आती है
और एक 12 किलो की आती है और एक 16 किलो की आती है। उसमें कपड़े का फर्क आता है, हैवीनेस होती है कपड़े के अंदर। जो 16 किलो होता है बहुत अच्छा कपड़ा कहलाता है, जो 6 किलो की क्वालिटी वो हल्की पड़ेगी। प्लस उसके ऊपर डिजाइनिंग क्या है, कितने की एम्ब्रॉयडरी करवा रहा है उसके अंदर, क्या रेट की है, तो फ्लक्चुएशन जो आता है वो वर्क के ऊपर से आता है। कपड़े की जो वैरायटी है उसको देख के आपको जजमेंट लेना पड़ेगा आपको। आप खाली सस्ता मत देखो कि मैंने अगर कोई चीज आपको 500 का बताई है, बाजू वाला बोलता है वो 300 की है, तो पहले वैरायशन देखो उसके अंदर क्या फर्क है, सही कितना डिफरेंस देखो, प्लस डिजाइनिंग देखो, कपड़ा देखो उसके अंदर, डिजाइनिंग देखो, तो आप उसको जज कर पाओगे। आप खाली रेट से, मैंने आपको अभी ये बोला कि सस्ता रहो एक बार, महंगा रहो एक बार, तो आप चीज अच्छी लेके जाओगे तो आपके अच्छे कस्टमर जो है वो आपसे जुड़ेंगे। राइट सर, आप सस्ता कपड़ा लेने के चक्कर में जाओगे आप नुकसान भी करोगे, आपका कस्टमर भी टूटेगा। तो सर आज मतलब अब कहाँ से कहाँ तक के रेंज मोस्ट मैं आज आपको नीचे से मिनिमम 400 रुपए से स्टार्ट करके ऊपर में 1000-1200 तक की रेंज में जाऊंगा। तो दोस्तों अभी यहाँ का जो डायरेक्ट कलेक्शन तरफ चलते, कुछ वेराइटीज देखते, और मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो, क्योंकि आज बहुत ही हैवी वेराइटीज आप सभी को दिखाने वाला हूँ, और डायरेक्ट मैं आपको मैन्युफैक्चरर से जुड़ा रहा हूँ। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, मैंने तो यहाँ पे जो मुझे मेजर क्वेश्चन लगे मैंने यहाँ पे सर से पूछ ली, लेकिन कई सारे ऐसे मेन क्वेश्चन होंगे जो आपको आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नंबर मिला, डायरेक्ट आप सर से बात कर सकते हैं। सर का ही मैंने यहाँ पे नंबर दिया क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ओनर का नंबर देता हूँ, तो आपको एक जैसे कॉन्टेक्ट करने में मजा आता, आप लोगों को कुछ बातचीत करनी, अगर बिजनेस की एक मेन गाइडलाइंस है तो भी आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ का डायरेक्ट कलेक्शन तरफ चलते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे फर्स्ट साड़ी आप सभी को दिखा रहा हूँ, कॉटन के ऊपर वर्क है, प्योर एम्ब्रॉयडरी वर्क आएगा, बहुत प्यारी साड़ी है और इसकी बहुत अच्छी डिमांड है आने वाले टाइम में। तो दोस्तों आज यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जो कलेक्शन आया, जो मतलब अभी लॉकडाउन के बाद बन के जो आया, जो अभी मतलब आगे त्योहारों में चलने वाला, वो वेराइटीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे बहुत एक फिनिशिंग का काम है, एम्ब्रॉयडरी भी बहुत शानदार की है। जैसे फर्स्ट वेराइटीज आ गई, अभी सेकंड वेराइटी तरफ चलते हैं। सिल्क बेस के ऊपर है, पूरा वीविंग का पट्टा है इसके अंदर, ये जो पट्टा आप देख रहे हो ये वीविंग का पट्टा है, साड़ी के अंदर ही साड़ी के अंदर ही क्लियर आएगा, इसको अटैच नहीं किया गया है। और बहुत ही प्यारी छोटी छोटी बुटियां हैं जो वेडिंग में चलती है, आपको लेन देन में चलती है। अब ये साड़ी बहुत प्यारी साड़ी है। और दोस्तों यहाँ पे मतलब सर प्राइस नहीं बता रहे, सर का कहना है कि मतलब आगे हमें कई बार दिक्कत आई, क्योंकि सर का खुद का मतलब आगे जाके जो होलसेल करते हैं उन लोगों को भी यहाँ पे माल प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट लास्ट कंज्यूमर यानी कि आप लोगों को भी यहाँ पे वैरायटीज प्रोवाइड करते हैं, तो कई बार दो मतलब मिसमैच हुई है, तो उसके बाद उन्होंने प्राइस बताना कम कर दिया। बट फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे आपको मार्केट से 30% डिस्काउंट के साथ ही सारी सारी वैरायटीज मिलने वाली, क्योंकि पूरे पूरे मैन्युफैक्चरर है। ये भी कॉटन बेस का कपड़ा है, इस पे प्योर एम्ब्रॉयडरी की हुई है। और सर साड़ी की कट कितनी आएगी? 6.5 मीटर, 6.5 मीटर आने वाली है। ठीक है दोस्तों, सारा का सारा न्यू कलेक्शन है, अभी आगे चलते बहुत सारी अच्छी अच्छी वैरायटीज दिखाने वालों, बने रहे वीडियो में। इसके ऊपर है, इसमें बॉर्डर अटैच की हुई है और बहुत ही कलर बुट्टी डाली गई है अंदर, जो बहुत डायमंड के साथ है। और सर मैं बात करूँ जो बॉर्डर है, तो कितने मीटर की साड़ी में बॉर्डर आएगा? 8.5 मीटर, 8.5 मीटर टोटल बॉर्डर आने वाली है। ये देखिए सर, ये एकदम लेटेस्ट है, नीचे पिकॉक बना हुआ है, राइट, जैसे नीचे आप देख रहे हैं पूरा ऊपर, जैसे मेन इसका लुक नीचे आता है, पूरा ऊपर एक चौड़ी बॉर्डर दी गई, जैसे अपने वेस्ट बंगाल प्लस अपने यूपी बिहार ले लो, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रेज में चल रही है। तो सर जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो सर कुछ ऐसा स्टेट आपने डिसाइड किया कि भाई यहाँ तक मतलब वैरायटीज हम ज्यादा बनाएं? सर मेरे पास यूपी बिहार के कस्टमर ज्यादा हैं, महाराष्ट्र भी आता है, साउथ भी आता है, लेकिन जो हमारा फोकस रहता है यूपी बिहार के ऊपर ज्यादा है। राइट सर, यूपी बिहार ज्यादा फोकस रहता है। और ये भी वैरायटीज आप देख सकते हैं, पूरा पूरा मतलब एम्ब्रॉयडरी का पट्टा लगा हुआ है, प्योर एम्ब्रॉयडरी में। दोस्तों मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का एक मेन यही एक मर्म है कि आपको आज सारा सारा कलेक्शन दिखा पाऊँ, क्योंकि मतलब यहाँ पे इंडियन डॉट्स में अगर आप आते हो तो आपको कैसा कैसा कलेक्शन मिलेगा, किस तरह के डिजाइन आपको वेरिएंट मिल जाने वाले। ठीक है सर, यस सर, ये देखिए सर, जैसे ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा पूरा मतलब मशीन के मोती लगाए गए, मतलब डायमंड का काम है पूरा, नीचे पे लेस पट्टी लगी है बॉर्डर, पाइपिंग बॉर्डर के साथ। तो सर इसमें भी कलर रेंज कैसे रहेंगे? इसमें कलर की 6 से 8 रेंज आते, 6 से 8 कलर आते हैं सर इसके अंदर। और कंपलसरी सर इतने लेने पड़ेंगे? 4 कलर आप कंपलसरी लेने पड़ेंगे सर, क्योंकि नहीं तो हमारा सेट टूट जाता है, उसके अंदर हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अगर आपको लाइट कलर चाहिए लाइट, डार्क चाहिए डार्क, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हैं नीचे एम्ब्रॉयडरी का बहुत ही शानदार काम, लेस आने वाला है। ठीक है, और जैसे जैसे मतलब आगे जाएगी वैसे वैसे हैवी वैरायटी, सिंपल चीज है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मेरी व्यूअर से एक ही विनती है, आप सूरत आइए, दुकान पे विजिट कीजिए, सामने आइटम देखिए और फिर चूज कीजिए। ये मैं कलेक्शन सब दिखाने के लिए वीडियो डाल रहा हूँ कि मेरे पास ये सब कलेक्शन भी आ रहा है और आगे भी आता रहेगा। प्रिंट में चाहिए आपको प्रिंट भी मिलेगा, वर्क भी चाहिए वर्क भी मिलेगा, कोई भी आइटम आपको चाहिए वो सब यहाँ पे मिलेगी आपको। और जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी टाइप का मतलब जैसे वर्क का कॉम्बिनेशन आ रहा है, आरी वर्क आ रहा है, प्लस जैसे मोती का काम, एम्ब्रॉयडरी का काम, ये बहुत ही प्यारे डिजाइन है, बहुत ही, अगर आप इसको शोरूम में देखने जाओगे तो 1800-2000 रुपए की साड़ी मिलेगी आपको। राइट,
और सर आपके यहाँ पे कितने मिलेगी, एक की प्राइस बताओ। देखो अभी सैंपल आए हैं, फिर भी अप्रोक्सीमेट 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच में आएगी सर। राइट सर, और दोस्तों पूरा पूरा जरकोरी का काम आने वाला, जिससे आपको कहीं पे भी ऐसी वैरायटीज नहीं मिलने वाली। और इसका आप नीचे का भाग आप देख सकते हैं, पूरा पूरा वेडिंग का कलेक्शन आने वाला है, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। अगर आप डेली की अगर ऐसी 2 साड़ियां भी बेचते हो तो आप आराम से एक दिन में 1000 से 1500 रुपए कमा लेंगे। अगर आप मंथली के अगर 25 दिन भी काम करेंगे तो आराम से आप 25,000 से 30,000 इनकम कमा सकते हो टेक्सटाइल बिजनेस में। और भी कुछ नई नई वैरायटीज अभी दिखाने वाला, बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक देखो वीडियो को। ये देखिए सर, इसमें कलर पट्टा डाला हुआ है लेस के साथ में, बहुत ही प्यारी साड़ी है। और सर मतलब पूरा पूरा ध्यान रखा गया कलर मैचिंग का, पूरी मैचिंग का पूरा एकदम। हमारे जो स्टाफ है वो एक एक आदमी खुद जाके मैचिंग अरेंज करता है, पूरा पट्टा सेट करता है, उसके अंदर डिजाइन कैसी आनी चाहिए वो पूरी सेटिंग करके उसके बाद ही एम्ब्रॉयडरी में मान जाता है। और सर मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ रही है? सर कोई ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ से सूरत से लेके आप ऑल इंडिया जहाँ भी बोलोगे आपको। अगर कलकत्ता साइड की बात करो तो 6 से 7 दिन लगते हैं वहाँ पे, यूपी बिहार की बात करो तो 3 से 4 दिन में आपका माल पहुंच जाता है, महाराष्ट्र 2 दिन में माल पहुंच जाता है। यानी कि विदिन आप मतलब 10 दिन के अंदर, एक हफ्ता मान सकते हो, एक हफ्ते में आपको घर तक माल पहुंच जाने वाले। ये देखिए सर, इंग्लिश मैचिंग के साथ है, सिल्क बेस है। और सर आप तो जैसे मैन्युफैक्चरर हो, बट ये मुझे पूछना नहीं चाहिए बट फिर भी पूछ रहा हूँ, सपोज आपसे कुछ माल लिया, अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा या फिर कुछ अगर डैमेज पीस बाय चांस, डैमेज इज एवर टाइम हमारा है, कभी भी आप उसको एक्सचेंज करके ले जा सकते हो। उसके अलावा भी हम लोग जो कस्टमर हमारे ऐसे होलसेल के कस्टमर है, कभी होता है साल में उनके पास जैसे 1,00,000 रुपए का माल लेके 10-20,000 का माल नहीं बिक रहा, हम उसको एक्सचेंज करके दे देते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। मतलब पार्टी का पैसा ब्लॉक नहीं होता, उनको नई वैरायटी मिल जाएगी। सही, क्योंकि यहाँ पे कई मेरे जैसे घर से माता बहने होती जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए मतलब एक छोटी मोड़ी भी एक बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो उनको पैसा उनका ब्लॉक नहीं होगा, वो कभी भी 6 महीने के अंदर आके जो आइटम की नहीं बिकी है वो हमसे एक्सचेंज करके ले। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगी, ये जो वैरायटीज है बहुत ही फिनिशिंग से काम किया गया, जहाँ पे आपको एक भी धागा बाहर नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि एक जो काम होती है क्वालिटी होती है, और इसका फैब्रिक भी बहुत शानदार आने वाला है। राइट सर, ये सब वेडिंग कलेक्शन जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं हम। तो सर अभी तो मतलब स्टार्ट कर दिया दीपावली की तैयारी, सर करना पड़ेगा ना, हम लोग को तो होलसेलर है, हम लोग अभी तैयारी नहीं करेंगे तो सीजन पे हमको माल नहीं मिलेगा। डेफिनेटली सर की बात सही है, सूरत में भी लॉकडाउन गया है तो लॉकडाउन के हिसाब से अभी 50% प्रोडक्शन नहीं है सूरत में, 50% नहीं है आज की डेट में भी। अगर मैं आज माल बनाने, अब मैंने 2 महीने पहले से तैयारी की है तो अब मेरे जाके सैंपल आने शुरू हो रहा है। तो सर मतलब कुछ प्राइस में चेंजेस देखने को मिले जो पहले होते थे? अभी देखो इस समय सूरत में मिनिमम 20 से 25% इंक्रीज हुआ है मार्केट ड्यू टू ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट टाइट है क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है, डिमांड है यहाँ पे, लोगों को माल चाहिए, सामने भी किसी भी मंडी में कोई ज्यादा माल नहीं है किसी के पास। सही है, तो 20 से अगर हम प्रिंट की बात करें तो 15 से 20 रुपए प्रिंट की साड़ी में भरे हुए हैं, और वर्क की साड़ी में 40 से 50 रुपए साड़ी का बढ़ा हुआ रेट आ रहा है। लेकिन हम अभी भी सप्लाई जो पुराना माल है हमारे पास उसमें पुराने रेट में सप्लाई कर रहे हैं, जो नया माल आएगा उसमें हम रेट आगे इंक्रीज। यानी कि मतलब नीड है मार्केट के, और अभी आप अगर इस टेक्सटाइल बिजनेस में आते तो आप लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज होने वाली है। सर ने बताया और यहाँ पे कई सारी खूबसूरत वेराइटीज मैं आपको दिखा रहा हूँ। फास्ट ये प्योर वीविंग का काम है, इसके अंदर कुछ भी हाथ का काम नहीं है, 100% वीविंग के बाद हमने ये बॉर्डर टच की है इसके अंदर, ये पट्टे के अंदर डायमंड सेट किए हुए हैं, ये आपकी बहुत ही मतलब शादी में या किसी ओकेशन में पहनो तो बहुत ही रिच लुक साड़ी लगती है। राइट सर, मतलब जाएंगे तो आराम से लगेगा कि 2-3 हज़ार रुपए की आपने साड़ी पहनी है, बट यहाँ की सूरत की प्राइस की बात करूँ बहुत ही सस्ती रहने वाली, आप इसमें आराम से 1,000 रुपए तो आराम से कमा सकते हैं। और जैसे ये देख रहे पूरा पूरा डायमंड जैसे मिरर लगे है और इसमें स्टोन लगे हुए हैं। राइट सर, ये बहुत अच्छी साड़ी है। राइट सर, और एक नेक्स्ट वेरायटी जैसे सर दिखा रहे, थोड़ी थोड़ी फास्ट दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो में थोड़ी लिमिट होती है टाइमिंग। ये सर सी पल्लू है पूरा का पूरा, इसमें पूरा सी पल्लू आएगा 8.5 मीटर तक पूरा आपका जाएगा नीचे से ऊपर तक, ये इसका ब्लाउज आएगा सर। ये जैसे इसका ब्लाउज आने वाला है पूरा पूरा आगे और पीछे काम आने वाला, फ्रंट और बैक। और प्लस जैसे आप ये बॉर्डर की मैं बात करूँ तो पहले तो ओनली फॉर बॉर्डर बाहर निकलती है जिसको मतलब कट वर्क से काटा गया और फिर साड़ी के साथ अटैच किया गया है। राइट, ठीक है। तो सर मतलब जैसे कुछ वेडिंग की हैवी वेराइटीज होती है जो लोगों को वो भी मिल जाएगी? वो भी मिल जाएगी सर। ये शिफॉन बेस है, ये वीविंग है सिर्फ ओनली, इसमें कोई वर्क नहीं है कुछ नहीं है, खाली फैंसी ब्लाउज दिया गया है। राइट, जैसे ब्लाउज भी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा ब्लाउज आने वाला, जैसे इस तरह से आपको ब्लाउज मिल जाने वाला। ये अपने राजस्थान प्लस यूपी बिहार सब जगह ऑल ओवर इंडिया चलती है, ऐसा कुछ नहीं है, डिमांड के ऊपर जिसकी जहाँ से डिमांड आ जाए उसके ऊपर। और सर किसी को अगर बॉक्स पैकिंग चाहिए सर, वो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा उनका, हम प्रेफर नहीं करते जनरली बॉक्स देना क्योंकि उसका कारण है बॉक्स के अंदर आपकी साड़ी 80 से 84 आती है, ऐसी साड़ी नहीं आती है, प्लस ट्रांसपोर्ट में बॉक्स टूटते भी है। हम रिकमेंड यही करते हैं
या आपको बॉक्स चाहिए तो हम अलग से डलवा देंगे आपको बॉक्स जितने चाहिए, आप वहाँ पे अपने खुद डाल के खुद मतलब आप अपने पैकिंग कर लो। एक बात सही है, अच्छा एक सर ने रिस्पॉन्स दिया भाई आप ऐसा कर सकते हो जो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे सर का 40 साल से एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली सर को ज्यादा मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस लेकिन फिर भी मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन सर का 40 साल का एक्सपीरियंस है। प्योर वेडिंग साड़ी है जो सब आपकी शादी ब्याह में खूब चलती है। और सर फैब्रिक कौन सा है? जॉर्जेट बेस के ऊपर, जॉर्जेट बेस के ऊपर आने वाला है, ठीक है। और मतलब इसे दिल्ली में अगर मैं बात करूँ कई बड़े बड़े जगह तो आराम से 6-7 हजार रुपए की साड़ी बिकती है। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े शोरूम में जाओगे साड़ी सर ये साड़ी 8-10 हजार। मैं बात करूँ अपने दिल्ली के, अगर मैंने 2019 में गया था मार्च के महीने में, तो करीबन वहाँ पे जो अपने यहाँ पे सूरत की मैं बात करूँ जो 2-2 हजार रुपए की साड़ी मिलती है वहाँ पे 12-12 हजार रुपए में बिक रही है। सर एक चीज बोली ना, जितना बड़ा शोरूम होगा जितना नाम होगा उस सूरत की साड़ी के उसके पास जितना हाई हो जाएगा। और फिर भी सर वो होलसेल के नाम से बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं क्योंकि कस्टमर को नहीं पता है आज सूरत के बारे में। ठीक है जो सूरत आते हैं उनको इतना पता है कि सूरत में साड़ियां सस्ती मिलती है, लेकिन सूरत में आके भी उनको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है, किससे माल लेना है, किसके, वो सिर्फ सस्ते के चक्कर में रहते हैं कि सस्ता मिलना चाहिए। सही है, और जहाँ सस्ता लेने जाते हैं वहाँ उनको मार पड़ती है। राइट, क्योंकि जहाँ पे भी आपको ऐसा मन से लगे भाई यहाँ पे लालच मिल रही तो वहाँ से 1-2-3 हो जाओ जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे आप ही का नुकसान होने वाला है। और मैं जैसे दो चीजें आपको बता दें, पहले तो यहाँ पे सूरत में कोई उधार देता नहीं, कोई नहीं देगा आपको सूरत में सर, खाली बोलेंगे कि उधार देंगे, कोई देने वाला नहीं है, उसके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। और सेकंड चीज सस्ते मतलब 100 रुपए से नीचे जो प्रोडक्ट है उसमें भी कभी मत जाना। और जैसे ये सर दिखा रहे सर, इसके बारे में बताए सर? सर ये वीविंग का पूरा पट्टा लगाया हुआ, पूरा वीविंग एम्ब्रॉयडरी है। राइट, जैसे मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ, पूरा एम्ब्रॉयडरी। राइट सर, और जैसे आप देखो धूप छाव जैसा कपड़ा लग रहा है, पूरी साइनिंग आ रहा है। और मैं आपको थोड़ा बता दूं कहाँ तक आपको काम आने वाला, लास्ट तक आपको काम आना, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ तक काम छोड़ा हुआ होगा और 1 मीटर यहाँ पे जैसे छोड़ा, और उसके बाद यहाँ पे ब्लाउज आ जाएगा और ब्लाउज में भी आपको काम आने वाला है। और दोस्तों सारी सारी फैंसी वैरायटी से बहुत ही सस्ते दामों में आपको आने वाली है, आप जल्दी से सर को कांटेक्ट करो अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। साड़ी क्या पार्टी वेयर साड़ी है ये? राइट, जैसे आप देख रहे पूरे को भरी भरी हुई आराम से, इसका वेट की अगर मैं बात करूँ 1 kg से 1.5 kg होने वाला है। राइट, इसमें भी आपको मैं काम दिखा, क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा होता है काम के बारे में, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ तक काम है, और प्लस जैसे यहाँ पे ब्लाउज आपको इस तरह से आने वाला है। ठीक है सर, तो सर सेलिंग में अगर जो कोई घर से बिजनेस कर रहा है तो उसको सेलिंग कैसे करनी चाहिए, कुछ बिजनेस आइडिया देंगे सर उसको? मतलब सेलिंग मतलब किस टाइप से बोल रहे हैं सर? सपोज अगर मैं घर से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, पहली बार मैं कर रहा हूँ, 20 हजार रुपए लगा लिए, घर पे माल पहुंच गया, तो मेरी दुकान नहीं, तो अपने आसपास मार्केटिंग कैसे करूँ? देखिए सर, इसमें आप पे डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया में रहते हैं आपको पता है कि वहाँ पे साड़ी की कितनी दुकानें हैं, किस टाइप से लोग परचेज करते हैं, या आपका सर्कल जो है उनको किस टाइप की वैरायटी चाहिए। आप अपनी दुकान में 10-15-20 आइटम रखेंगे, आपके कस्टमर आपकी दुकान पे आएंगे, उससे आपको आइडिया ये मिलेगा कि आपके पास जो आइटम है उसमें कौन सी आपको चलने वाली है, कौन सी नहीं चल, तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी आओगे तो आपके जो आइटम नहीं चलने वाले वो चेंज करके आपके चलने वाली है वो लेके जाएंगे। राइट, जिससे कस्टमर आपका खाली नहीं जाएगा कभी भी, और धीरे धीरे अपनी क्लाइंटेज बढ़ाएंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप अपनी दुकान पे 100-200 की रेंज रखते हैं तो आपका एक ट्रिपल ठप्पा बन जाता है कि आपके पास 100-200 की रेंज मिलेगी, इससे ऊपर नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप धीरे धीरे क्या करें, 200-500 की रेंज में जाइए, ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़े बहुत सैंपल रखिए उसके अंदर, आपका कस्टमर देखेगा कि आपका 500 तक की रेंज है तो आपके दूसरे कस्टमर भी आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। जब आपकी पकड़ आ गया 200-500 के बीच में तो आप 500-800 में चले जाइए। डेफिनेटली सर, धीरे धीरे अपनी रेंज बढ़ाएंगे तो आपके कस्टमर ऑटोमेटिकली सेट होते, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर अगर सपोज अगर अपने जैसे कम वैरायटीज रख रहा हूँ, कम रेंज की रख रहा हूँ, तो दूसरे लोग सोचेगा आज मुझे वेडिंग की वैरायटीज लेनी तो आपके पास नहीं आएंगे, दूसरे के उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा भाई आपके पास भी ऐसी वैरायटीज है। और सर की डेफिनेटली बात सही, ऐसी मतलब थोड़ी वैरायटीज की रेंज रखो, सभी टाइप की वैरायटी, प्रिंट की भी रखो, वर्क भी रखो, वेडिंग। जितना डरोगे उतना फंसोगे, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, धंधे मैंने देख लिया, डर के काम करोगे आप सक्सेस नहीं होंगे। जितना खुल के, अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, आपकी क्लाइंटेज क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। और सर जैसे आपका 40 साल हुआ तो आपने तो कई उतार चढ़ाव भी देखे होंगे, उतार चढ़ाव तो मतलब सर कई लोग जैसे मैंने देखा टेक्सटाइल बिजनेस स्टार्ट करते थोड़े दिन में बंद करते, कई लोग होते जो टिक जाते, कई लोग ऐसे भी देखे जो करोड़ों रुपए लगाते बट वो फेल हो जाते, और कई लोग जैसे चंद मुड़ी भी लगाते और वो मतलब महान बन जाते। मैंने इसमें एक ही चीज कहा, टेक्सटाइल का बिजनेस इजी है लेकिन इसमें आपकी पकड़, आपका दिमाग, आपकी क्रिएशन काम आती है। आज आप जो चीज बोल रहे हो भाई, बहुत से आए कम लगा के भी कमा गए, बहुत आए करोड़ों लगा के भी नुकसान करके, उसके पीछे एक ही रीजन है, वो लोग ये नहीं, कपड़ा बना लिया क्या बिक रहा उनको नहीं पता, खाली बना के छोड़ दिया। वो धीरे धीरे क्या होता है, सूरत है यहाँ पे खर्चे भारी पड़ते हैं, आप साड़ी के पीछे अगर 10-15 रुपए साड़ी कमा रहे हैं तो अगर 2 महीने आपकी सेल नहीं आएगी तो आप
माइनस में चले जाओगे, फिर वो रिकवर नहीं होगा, आप ध्यान नहीं दोगे तो रिकवरी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए वो माइनस में जाते हैं हमेशा। डेफिनेटली सर की बात सही है, और मतलब सब कुछ ध्यान में रखो क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस इतना भी इजी नहीं है जितना का, और इतना मतलब हेवी भी नहीं, मुश्किल भी नहीं है। आपको खाली अपना दिमाग लगाना, आपकी भूख होनी चाहिए, आपकी एक पकड़ टाइट होनी चाहिए खरीदने में, और सेलिंग में भी आपकी पकड़ टाइट होनी चाहिए आपको कैसे सेल करना है, क्योंकि बिजनेस सभी मतलब मुश्किल होते हैं और सभी मतलब इजी होते हैं, बट जब तक आप नहीं ठानते तब तक वो बिजनेस मुश्किल है, और जब तक आप नहीं मेहनत करते तब तक वो मुश्किल रहता है। अगर आप अगर चालू कर दो, अगर पूरी मेहनत लगा दो, तो कुछ भी मतलब बिजनेस नामुमकिन चीज होती नहीं, नहीं सब कुछ मुमकिन है। और जैसे सर के पास तो ढेर सारी वेराइटीज है, लेकिन सर ने आज प्राइस नहीं बताया, क्योंकि सर का ऐसा कहना था कि भाई होलसेल को भी अपने जैसे आगे होलसेल करते उन लोगों को भी माल प्रोवाइड करते, क्योंकि सर की खुद की ओन मैन्युफैक्चरिंग है, तो उन लोगों को क्वांटिटी में प्रोवाइड कर, सपोज अगर आपको इसी डिजाइन में अगर आपको हजार साड़ी लेने वाले भी कस्टमर आते हैं, एक ही डिजाइन में 1000 पीस चाहिए, तो उनको उसको सप्लाई देनी होती है, तो इसलिए अब रेट नहीं बता रहे हम लोग। राइट। और सर जैसे आपको अगर कॉन्टेक्ट, आप तो थोड़ा बिजी रहते हो, बट फिर भी आप के लोग मुझे बात करते हैं, डायरेक्ट ओनर से बात कराओ, तो क्या सर आप बात कर पाओगे? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ, मेरे कस्टमर के आते हैं फोन, मैं डायरेक्ट फोन उठाता हूँ, उनसे बात करता हूँ। डायरेक्ट आप सर से बात कर पाओगे, अगर कुछ भी करी हो कभी भी एनी टाइम कॉल करो। सर आपका टाइम क्या रहने वाला? मॉर्निंग से मॉर्निंग मेरा 10:30 से लेके शाम को 7, अभी फिलहाल लॉकडाउन है तो 7 बजे तक चालू है, जब नॉर्मल हो जाएगा तो रात को 10 बजे तक भी चालू। और सर अभी सूरत आए तो भी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सूरत भी विजिट कर, तो मैंने यहाँ का एड्रेस भी आपको दे दिया, नीचे जाइए आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल तो मैंने आपको ढेर सारी वैरायटीज दिखा दी, और मैं आपको स्पेशल रिकमेंड करना चाहूंगा, यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर मिला डायरेक्ट, एक बार अगर आप परचेस करते हो नहीं करते हो अलग नंबर की बात है, बट एक बार आपके बिजनेस का कुछ आइडिया, आप लोगों ने कैसे बिजनेस किया, आपके कुछ क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो भी डायरेक्ट सर को कॉल करो, सारे के सारे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाने वाले। तो दोस्तों फिलहाल तो मैंने आपको ढेर सारी वैरायटीज दिखा दी, उम्मीद है आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों अभी तक आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को फैलाओ, जिससे अगर वो भी इस बिजनेस में आना चाहे तो इजीली इस बिजनेस में आ सके। और टेक्सटाइल बिजनेस कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आप हर कोई मतलब कोई नॉलेज की जरूरत नहीं, ये बिजनेस ऐसा है ये कभी बंद होने वाला नहीं है, क्योंकि कपड़ा रोटी और मकान बोला जाता है, तीन चीज मेन होती है, सबको चाहिए ही चाहिए, सबको चाहिए। और ये बिजनेस वैसा ही बिजनेस कभी फेल नहीं होगा, बस आपकी लगन चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कलम फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।